अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह वरकातुहू। आज हम मच्छी अनवा की मच्छी बना रहे हैं हल्दी में और उसके साथ छाछ बघार रहे। तो ये दोनों का मिलके खाने का कॉम्बिनेशन है। ये अनवा मच्छी है, ये देखो, ये मेरी बहन मीरा रोड वाली ने गांव से मंगा के दी मेरे को। तो ये मैं इसके देखो मुंडी निकाली हूँ, साफ करी हूँ इसको, ऐसी साफ करने की, ऐसी उसकी मुंडी निकाल देने की। ये देखो साफ करी हूँ, मुंडी निकाली हूँ। मैं एक घंटा पहले भिगाई थी, मैंने घर में बनाई हूँ कोकम की अंबुस्ती, अच्छी खट्टी बनती है, बहुत अच्छी। ये डालने का, कहरी भी डाल सकते लेकिन कहरी अभी की खट्टी नहीं होती है, इसलिए ये बनाई। ये देखो ये मसाला है, ये अनवा का मसाला है। ये इतना लहसुन लेने का, इतनी मिर्ची लेने की, इतना जीरा, इतनी हल्दी लेके पीसने की। ये देखो हमने पीस डाले, पीस के रखे। एक कोथमीर डालने की, इतना नमक डालने का, एक चम्मच नमक, उसमें कम चाहिए कम करो। और एक करी पत्ता से बघार देने का। और ये छाछ, अभी देखो छाछ, पाव किलो दही मंगा के उसको मैंने इसमें रखी हूँ, इससे अभी फेंटूंगी उसका छाछ बनाने। थोड़ा सा पानी डालेंगे फेंटने के बाद और इसको छाछ बना देंगे इसके साथ खाने को। और ये जीरा है, राय है, लहसुन चॉप किया है और कोथमीर है, करी पत्ता है और मिर्ची है, इसको छाछ को बघार देने का है इसके साथ खाने के लिए। ये तेल है, अभी थोड़ा तेल डालेंगे हम। आप घी भी डाल सकते हैं, तेल भी डाल सकते हैं। पहले बघारे थे घी डाले थे, अभी हम तेल डाल रहे हैं एक चम्मच। ये देखो अभी ये लहसुन डालेंगे, तेल गरम हो गया एक चम्मच। और लहसुन के बाद ये जीरा, राय, मिर्ची और करी पत्ता डालेंगे। ये करी पत्ता डाले, अभी ये कोथमीर भी डालेंगे। अभी इसको बंद करेंगे और इसमें छाछ डालेंगे। छाछ डालने के बाद गरम नहीं करने का, नहीं तो फूट जाएगा। और फिर नमक डालेंगे, छाछ डालेंगे। ये देखो बघार हो गया, अभी हम गैस बंद कर रहे हैं, छाछ बना रहे। ये देखो ये छाछ बना रहे हैं हलवा के साथ खाने के लिए, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो अभी इसमें पानी डालेंगे। ये देखो एक गिलास में से आधा गिलास पानी डालेंगे, ज़्यादा डालेंगे तो अच्छा नहीं लगता है, घट घट छाछ अच्छा लगता है। नीचे से लाएंगे तो बहुत पतला रहता है, इसलिए हम दही मंगा के उसका छाछ बना रहे। ऐसा बन जाता है, मिक्सर में नहीं बनाने का, मिक्सर में बनाने से एकदम पतला हो जाता है। हो गया, अभी हम इसको बघारे हुए इसमें डाल देंगे और फिर नमक डालेंगे। अभी इसको गरम नहीं करेंगे, हाँ अभी नमक डालेंगे। इतना नमक डालेंगे, आपको चाहिए जो आपके हिसाब से डालो, हम इतना डालेंगे। अभी छाछ बन के तैयार है, अभी इसको सर्व करेंगे। दो चम्मच तेल डालें, अभी गर्म हो रहा तेल, और इसमें अभी थोड़ा जीरा डालेंगे बघारने के लिए, अच्छा टेस्टी लगेगा। थोड़ी मेथी डालेंगे। हल्दी वाला अनवा बना रहे हैं, अभी ये हमारे हिसाब से बना रहे, खाली इसमें खाली हमारे हिसाब से ये मेथी दाना और जीरा है, बाकी सब अपने कोकनी लोग की तरह है। कोकनी अनवा है ये, कोकनी लोग का। ये देखो अभी करी पत्ता डालेंगे। ये देखो ये अनवा का मसाला है, लहसुन है, हल्दी आधा चम्मच है, एक बड़ा लहसुन है, एक चम्मच जीरा है और इतनी मिर्ची है, ये हमने इधर पीस के लिए है। देखो अभी डाल रही है, ये देखो इतना पानी खाली धो के डाल रहे हैं, इसमें पानी नहीं लगता है। सूखी सूखी अनवा बनाती, छाछ के साथ, चावल रोटी के साथ खाते। अभी ये देखो अभी मसाले को उबल आ गया ना कि कोकम डालेंगे, उबल आ गया, अभी ये कोकम डालेंगे। ये कोकम इसके लिए इतना डालें कि कोकम से खट्टी तीखी अच्छी बनेगी, चटपटी एकदम, अनवा बोलते इसको। अभी इसको उबल आ गया ना,
के अनुआ डालेंगे, जब तक धनिया डालेंगे। अभी उबल आने के बाद अनुआ डालेंगे। ये देखो एक चम्मच नमक डालेंगे। अभी नमक डाले, अभी इसको मिक्स करेंगे। अभी मिक्स हो गया, अभी अनुआ डालेंगे। उबल आ गया, अनुआ डालेंगे। अनुआ को ऐसा मुंडा निकाल के लेने का, ऐसी साफ करते हैं अनुआ को। मेरा रोड़ी बहन ने गांव से मंगा के दिए, ये आपको दिखाने, कोकनी डिश। अभी इसके ऊपर ढक्कन रख के 2 मिनट पकाएंगे। इसको पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसको सूखा सूखा रहता है खाने को। ये देखो अभी 2 मिनट पकाएंगे, फिर आपको बताएंगे। ये देखो अनुआ बनके तैयार है, ऐसी सुक्की बनाने की और छाछ के साथ चावल रोटी के साथ खाने की कोकनी डिश है, बहुत टेस्टी लगती है। अभी हम इसको सर्व कर रहे, बंद कर रहे। देखो छाछ बनाई और कोकनी डिश अनुआ बनाई, छाछ बगारा हुआ अनुआ मच्छी, ये चावल रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है, असली कोकनी डिश है ये। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो।